दोस्तों अक्सर बच्चों का खुरापाती दिमाग इंजीनियर बनने की पूरी कोशिश करती है, जिस कारण वे घर के अच्छे खासे इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंस को भी तोड़कर उससे मोटर को बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसे मोटर से कार या फैन बनाकर अपने आप को इंजीनियर समझते हैं। इसी छोटे मोटे सक्सेस को देखकर उनका मोटर के प्रति लगाव काफी बढ़ जाती है। इसी लगाव को बढ़ावा देने के लिए आज हम 12 वोल्ट के गियर मोटर का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लाए हैं, ताकि आप अपने नॉलेज को बढ़ाकर हाईटेक प्रोजेक्ट बना सकें। और इसी के साथ साथ गेम कंट्रोलर का भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लाए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो नंबर पहले पर आता है गियर मोटर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों गियर मोटर का इस्तेमाल हैवी चीजों को चलाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसकी स्पीड स्लो होने के कारण इसमें टॉर्क ज्यादा होता है, जिससे 5-7 केजी की चीजों को आसानी से उठा सकती है। इसीलिए इसे कूलर के एयर डिफ्लेक्टर में लगाकर हवा को चारों साइड में रिफ्लेक्ट कराया जाता है। और आजकल इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल इलेक्ट्रिक साइकिल में किया जा रहा है, जिस पर आप बिना पैडल मारे एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं। तो इस गियर मोटर को बनाने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर में इसके 3D मॉडल को तैयार करके इसके सभी पार्ट को चेक करते हैं, फिर मोटर बॉडी को दूसरे फैक्ट्री से मंगा कर एक मशीन पर मैग्नेट लगा कर उस पर मोटर बॉडी को रखते हैं और प्रेसिंग मशीन से दबाव देकर इसमें मैग्नेट को फिट कर देते हैं। मैग्नेट फिटिंग हो जाने के बाद इसे एक बास्केट में रख कर नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जहाँ स्टील सीट के बंडल को दूसरे फैक्ट्री से मंगा कर मशीन में लगाते हैं और इसे ओपन करके कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजते हैं, जहाँ कटिंग मशीन द्वारा इसे पतले पतले स्ट्रिप में कटिंग करके पंचिंग मशीन से दबाव देते हैं, जिससे स्टील रोटर के शेप में तैयार हो जाती है। अब इसे कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजकर वाइंडिंग मशीन में लगाते हैं, जहाँ इस पर कॉपर वायर लपेटकर कुछ इस तरह तैयार करते हैं। अब कॉपर तीनों साइड में लग जाने के बाद वायर कटिंग करके रोटर को एक घूमती हुई चक्री से आगे भेजते हैं, जहाँ इसके एंड और स्टार्टिंग कॉपर वायर को कम्यूटेटर से सोल्डिंग करके ब्रशेस को असेंबल किया जाता है, जो कम्यूटेटर से कॉन्टेक्ट बनाकर रोटर में करंट सप्लाई करती है। अब बारी आती है इंस्पेक्शन की, जहाँ रोटर को एक घूमती हुई चक्री में डालकर उसमें करंट देते हैं, जिससे रोटर में करंट फ्लो हो रहा है नहीं इसे चेक किया जाता है। अब बारी आती है असेंबलिंग की, जिसके लिए मोटर बॉडी को कन्वेयर सिस्टम से आगे भेजकर उसमें रबर रिंग को लगाते हैं, उसके बाद रोटर को असेंबल करके एंड कैप को लगाते हैं और प्रेसिंग मशीन से दबाव देकर स्क्रू से टाइटली कसते हैं। अगले स्टेप में इंसुलेटेड पाइप को प्रेसिंग मशीन पर रख कर उस पर मोटर लगाकर दबाव देते हैं, फिर इसमें करंट देकर इसका टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग पास हो जाने के बाद बारी आती है इस नॉर्मल मोटर को गियर मोटर में कन्वर्ट करने की, जिसके लिए गियर बॉक्स के बेस में छोटे छोटे कंपोनेंट को लगाकर मोटर पर रखते हैं और स्क्रू से टाइटली कस के इसे कुछ इस तरह तैयार कर लेते हैं। अब अगले स्टेप में इस पर 5 छोटे छोटे गियर को असेंबल करके एक बड़े से गियर पर ग्रीस लगाकर असेंबल करते हैं, जिसे मोटर का सेफ्ट भी कहा जाता है। फिर गियर बॉक्स के टॉप बॉडी में होल प्रोटेक्शन लगाकर उसमें एक छोटे से पिन को डालते हैं और कैप असेंबल करके प्रेसिंग मशीन से दबाव देते हैं और फाइनली इसे मोटर में असेंबल करके स्क्रू से टाइटली कसते हैं। अब बारी आती है टेस्टिंग की, जिसके लिए मोटर के टर्मिनल में करंट देकर इसके चलने की स्पीड को कान लगाकर सुनते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड स्लो होने के कारण आवाज सुनाई नहीं देती। फिर इसका हाई टेस्टिंग करके इसे दूसरे यूनिट में भेजते हैं, जहाँ इस पर लेजर मशीन से वोल्टेज और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिख कर कुछ इस तरह तैयार कर लेते हैं और फाइनली इसे पैकिंग करने के लिए एक बड़े से बॉक्स में डालकर आपके मार्केट तक भेज देते हैं। तो नंबर दूसरे पर आता है गेम कंट्रोलर मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों पबजी आने के बाद लोगों में गेम खेलने का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसे खेलने के लिए अक्सर लोग गेम कंट्रोलर या गेम पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें एक से ज्यादा बटन होने के कारण किसी भी गेम को आसानी से खेला जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है।
तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर में गेम पैड का 3D मॉडल तैयार करते हैं और PCB को दूसरे फैक्ट्री से मंगा कर उस पर रबर मेम्ब्रेन को लगाते हैं। फिर इसे दो वायर कनेक्ट करके सोल्डिंग करते हैं। वायर सोल्डिंग हो जाने के बाद एक और रबर मेम्ब्रेन को PCB पर सेट करते हैं। फिर इसमें लेफ्ट ट्रिगर लगाकर स्क्रू से टाइटली कसते हैं। दोस्तों, लेफ्ट और राइट ट्रिगर का इस्तेमाल गेम में फायरिंग और स्कोप जूमिंग करने के लिए किया जाता है। फिर इसमें दो वाइब्रेटिंग मोटर लगाकर सोल्डिंग करते हैं। अब मोटर के सोल्डिंग वाले हिस्से पर ग्लू लगाकर ज्वाइंट को मजबूत करते हैं। दोस्तों, ये मोटर गेम में होने वाले एक्शन को फील कराता है। अब अगले स्टेप में स्क्रीन पेंटिंग मशीन से गेम बॉडी पर कंपनी का नाम लिखकर इसमें लेफ्ट और राइट स्टिक बटन को लगाते हैं। फिर गेम में मैप और इन्वेंट्री को सामने लाने के लिए टच पैड लगाकर छोटे छोटे बटन को लगाते हैं, जैसे डायरेक्शन बटन, स्टार्ट बटन, एक्शन बटन और होम बटन। फिर PCB सर्किट में जॉयस्टिक बटन लगाकर बॉडी में असेंबल करते हैं और इसे टच पैड वायर कनेक्ट करके स्क्रू से टाइटली कसते हैं। अब इसमें लगने वाले बैटरी पर डबल टेप लगाकर PCB से कनेक्ट करने के साथ साथ उसी पर चिपका देते हैं। फिर PCB से जुड़े वाइब्रेटिंग मोटर को बॉडी में फिट करते हैं, जो गेम में होने वाले एक्शन को फील कराती है। अब इसमें शोल्डर बटन लगाकर इसके सभी पार्ट का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें चार्जिंग पोर्ट और ईयरफोन जैक भी लगा होता है। अब इसे क्लोज करने से पहले बैक पैनल में एक खास पार्ट लगाकर स्क्रू से टाइटली कसते हैं और फाइनली इसे क्लोज करके इसमें 4 स्क्रू लगाकर पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। फिर इसे कन्वेयर बेल्ट से आगे भेजकर टेस्टिंग यूनिट में भेजते हैं, जहां इसे केबल कनेक्ट करके इसके सभी बटन को दबाकर डेस्कटॉप पर गेम खेलते हैं। और फाइनली टेस्टिंग पास हो जाने के बाद इसे अच्छे से क्लीन करके प्लास्टिक कवर में डालकर बॉक्स में पैक करते हैं और इस तरह आपका गेम कंट्रोलर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, आपको इन दोनों वीडियो में किस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग सबसे अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।